हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम नीट एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के वो करेंगे, ठीक है। कुछ 10-11 क्वेश्चन दिए हैं, आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर देन व्हाट इट विल बी, ठीक है। तो यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हाफ के एक्स क्या है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। मान लो एक यू वन है जो मुझे पता नहीं, फाइंड आउट करनी है, जब 8 सेंटीमीटर किया तो क्या होगा, राइट। तो यूनिट कट जाएंगे जो भी है, सेंटीमीटर का मीटर या जो भी करो, राइट। तो हाफ ऑफ कट जाएगा, के कट जाएगा, ये होगा 4, राइट, और ये होगा 64, तो 16 आएगा यहां पे, राइट। तो यू वन क्या आएगा, 16 U, राइट, अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दिए तो 16 U आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज, किलोवाट आवर पूछ रहे, 100 किलोवाट आवर। देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम। इस केस में ये है किलोवाट में और ये है अवर में। 100 किलोवाट आवर कितना होगा, 100 किलोवाट आवर, राइट, 100 इंटू 1 वाट में कितना किलो, और ये 3600 सेकंड, राइट, आवर में कितने सेकंड, राइट। अगर ये नॉर्मल होता तो ये होता जूल, जूल पर सेकंड, तो ये होता जूल इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड, तो ये ऐसा आ गया, राइट। तो 3527 किलोवाट आवर, करेक्ट, ऑप्शन 3। अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1, राइट। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, जो 2:2 वाले हैं, 2:2 वाले हैं, फ्लाई ऑफ अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, इक्वल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इक्वल मास ऑल्सो, द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट क्या होगा। रेस्ट में था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेस्ट में था तो पहले उसका मोमेंटम जीरो था, फिर जब फट गया तब भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो फटने के बाद एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर गया, मान लो इसका मास 2m था और स्पीड v है, इसका भी 2m है, इक्वल मास वाले ये 2m, और इसका भी स्पीड v है, राइट, v है, तो अगर टोटल जीरो होनी है तो तीसरे की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इन दोनों का एडिशन किधर आएगा, इधर आएगा, राइट, इधर इन दोनों का एडिशन आएगा, राइट। मान लो ये p1 है, p1 इज इक्वल टू 2mv, और ये p2 है 2mv, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो कितना था, इनिशियल जीरो था, राइट, मतलब तीसरे का ऐसा होना चाहिए कि वो इन दोनों का टोटल को अपोज करें, राइट। अगर ये p1 प्लस p2 है तो मेरा जो आएगा तीसरा, p3 शुड बी इक्वल टू p1 प्लस p2, तब जाके कहा p1 प्लस p2 प्लस p3 विल बी जीरो, जो कि इनिशियल मोमेंटम था, ये रहेगा मेरा, ये रहेगा, राइट। तो इसका कितना रहेगा, उसका माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड इसके इतना ही रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रहेगा मेरा p3 विल बी, राइट, ऐसा p1 प्लस p2 का माइनस, तो p1 प्लस p2 कितना आएगा, 2m का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 नहीं लिखता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा 8m स्क्वायर, तो m बाहर निकाल दिया, रूट 8, राइट। तो वेलोसिटी पूछी है, तो इसका मास m ही है, राइट, p3 का मास m है, तो p3 का वेलोसिटी कितनी आएगी, v3 विल बी 8, राइट, m v कौन करेगा, सॉरी m के स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर, ये m v होगा और ये रूट होगा ऐसा, तो m v, तो v रूट 8, v रूट 8,
which is also written as 4 दुने 8 तो root 8 है ना वो, तो 2 root 2 into V, option 1, ठीक है। अगला देखते हैं, वॉटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट रेट ऑफ 15 केजी पर सेकंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। ठीक है, 60 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है 15 केजी पर सेकंड में, राइट, पावर जनरेटेड बाय टर्बाइन, तो हमको पर सेकंड का हिसाब से चलते हैं हम, राइट, तो पर सेकंड का हिसाब से मेरा जो एमजीएच होगा वो एनर्जी होगा, उसका 10% माइनस करना पड़ेगा और जो होगा वो पावर होगा, राइट। तो एनर्जी पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पर सेकंड एनर्जी, तो एम जी एच पर यूनिट टाइम, तो पर 15 केजी पर सेकंड आ रही है, तो ये 15 हो गया, जी 10 ले लेते हैं, 60 से गिर रहा है, तो ये 900 और ये 9000, 9000 वैट जो है वो जनरेट हो रहा है, उसका 10% चला गया, तो कितना बचा, 9000 में से 900 चला गया, तो 8100 बचा, ये होगा पावर जनरेटेड बाय टर्बाइन, ठीक है, 8.1 किलोवाट, ऑप्शन 3। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, राइट, थ्रू डिफरेंट paths as shown. If W1, W2, W3 represent the work done by gravitational force, represent path कैसा, कौन सा option रहेगा? देखो, gravitational force जो है वो एक conservative force है, path independent रहता है, right? हमने conservative force के इसमें पढ़ा है कि gravitational force conservative force है, मतलब gravitational force का work done path पे depend नहीं करता, आप कैसा भी लेके जाओ, final initial point अगर वही है 1 और 3, तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, कोई भी पाथ से लेके जाओ, तो ऑप्शन 1, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 केजी, लिफ्ट प्लस पैसेंजर, इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द लिफ्ट इज इन वाट्स, कितना होगा, देखो कैसा है, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 1.5, लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है कॉन्स्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से, स्पीड कॉन्स्टेंट है का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, राइट, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है ना, ऐसी वाली सिचुएशन है। अभी वो बोल रहे हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, राइट, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना, तो मेरा फ्रिक्शन इस तरफ होगा, राइट, और मेरा जी भी, लिफ्ट का जो पूरा वजन है एमजी, वो भी नीचे की तरफ होगा, है ना, नीचे की तरफ ये दोनों होंगे, एमजी भी नीचे है, फ्रिक्शन भी नीचे है, तो अगर मेरे को कांस्टेंट फोर्स से ऊपर जाना है तो मेरे को मोटर ने जो है लिफ्ट को नीचे खींचना पड़ेगा, कितने से खींचना पड़ेगा, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, इतना पावर, इतना फोर्स लिफ्ट में लगाना पड़ेगा, तो जो मोटर है इसने इतना फोर्स लगाना पड़ेगा मोटर ने, तो मोटर का जो फोर्स होगा तभी वो नेट फोर्स जीरो होगा ना, अच्छा ये ऊपर मोटर ऊपर लगाएगी तभी वो जीरो होगा ना, ये इधर ऐसा मोटर, उसको ऐसा ये मोटर है मान लो, तो मोटर इसको अब ऊपर खींचेगी, है ना, मोटर ऊपर खींचेगी इसको और ये दोनों नीचे जा रहे हैं, तो ये होगा 2000 और 3000 5000, तो 5000 मेरा न्यूटन फोर्स होगा मोटर का, और उसकी वेलोसिटी है, अच्छा एमजी 20,000 नहीं होगा, ये 5,000 नहीं होगा, 20,000 उसका एमजी है, मास 2,000 है, तो एमजी 20,000 होगा और वो 300 है,
3000 है, 23000 होगा, 23000 होगा उसका फोर्स, और पावर जो होगा वो होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स हो गया ये, इनटू वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट ही है, सब कांस्टेंट ही है, तो 23000 इनटू 1.5 यानी बाकी सारे ऑप्शन 23500 से तो ज्यादा ही होगा, ऑप्शन टू 34500, ठीक है। A block of mass m is moving with initial velocity u towards stationary spring of stiffness constant k attached to the wall as shown in figure. Maximum compression of spring is the friction between the block and the surfaces. Friction वगैरह को ignore कर दो, right? एक particular u speed से जा रहा है वो block, correct? तो maximum compression क्या होगा? Right? तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा जैसे जैसे वो उसको दबाते जाएगा अंदर। मैक्सिमम कब होगा? जब पूरी तरह से दबा चुका है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो टाइम पे स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, एंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक of the block will be stored as potential energy of spring, right? Spring maximum ke liye final ke will be zero, right? For maximum potential energy or maximum extension this final will be zero. So half mu square minus zero is equal to half kx square. Yahan pe x max hai, ठीक है, तो हाफ ऑफ गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए ना अपने को, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एम यू स्क्वायर बाय के, तो एक्स क्या आएगा? यू बाहर आ जाएगा, एम अपॉन के, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो ये देखते हैं, a force F is equal to 20 plus 10y acts on the particle in y direction, where F is in Newton, okay, and y is in meter. Work done by this force to move particle from y equal to 0 to 1, correct? So force variable hai, based on y ka value change hote ja raha hai, to work done kya rahega? F dr, R आपका 0 टू 1 हो रहा है ना, हाँ 0 टू 1, तो ये है मेरा 0 टू 1 20 प्लस 10 y dy, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 0 टू 1 20 dy प्लस 0 टू 1 10 y dy, तो ये आ जाएगा 20 जो है वो बाहर आ जाएगा और y का ये 20 ही आ जाएगा, कुछ और नहीं आएगा, वो होगा 10 प्लस y स्क्वायर y 2 और इसमें आ जाएगा 0 टू 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5, 25 जूल, ऑप्शन 3। अगला देखते हैं, consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from height of 1 kilometer. It hits the ground with speed of 50 meter per second. Take g as constant with value 10 meter per second. The work done by gravitational force kitna hoga? Work done by resistive force kitna hoga? To dekho, ho kya raha hai? Ek rain drop hai, jo yahan se yahan ground pe gir raha hai, aise. Gir raha hai, aise. Jab wo fall hota hai, फॉल होता है यानी यहां पे जीरो है और यहां पे उसकी वेलोसिटी बन जाती है 50 मीटर पर सेकंड, यहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनल बन जाती है 50 मीटर पर सेकंड, राइट? ऐसा तो हो क्या रहा है रास्ते में, एक तो एमजी वर्क कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है उस पर, और रेजिस्टिव फोर्स का काम ही होता है अपोज करना, रेजिस्टिव फोर्स का काम ही होता है अपोज करना मोशन को, तो ऐसे लग रहा है, राइट? ऐसे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला तो सिंपल है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा?
ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mgh, सॉरी mg, और h कितना है 1 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है और उसका जो मास है वो 1 ग्राम है, राइट। mgh, m है 1 × 10⁻³ kg, g 10 है और h है 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर, तो बेसिकली 1 नहीं, ये गया 10 जूल, एक ही ऑप्शन में 10 जूल है 3 में, तो ऑप्शन 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं दूसरा वाला रेजिस्टिव फोर्स कितना आता है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के लिए क्या करोगे आप, आपको टोटल वर्क डन पता है, तो दोनों का मिला के वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल, मीन्स चेंज इन के ई इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को ऐसे लिखता हूं प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क, नहीं तो साइन के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां तो जीरो है और ये, तो बेसिकली हाफ एम इंटू 50 का स्क्वायर, तो 2500 इंटू 10⁻³ / 2, 1.25 जूल होगा ये, राइट, 1.25 जूल होगा ना, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, तो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1.25 जूल, और वर्क डन बाय ग्रेविटी एक्चुअली अलोंग डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव होना चाहिए, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स शुड बी निगेटिव, शुड बी निगेटिव, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1.25 और ये 10 जूल है ग्रेविटी का वर्क, ए माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो आएगा वो आएगा -8.75 जूल, ठीक है। देखो कैसे भी साइन ये आपको बता रहा है कि ये अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट -2i cap + 5j cap to 4j cap + 3k cap व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i cap + 3j cap इज अप्लाइड हाउ मच वर्क हैज बीन डन, राइट। तो पार्टिकल फ्रॉम -2i cap + 5j cap यहां से पार्टिकल निकला टू 4j cap + 3k cap, 4j cap + 3k cap, इसको मैं 0k cap लिखता हूं, k cap अगर आ गया पिक्चर में तो, और 0i cap लिखता हूं, राइट। ये हो गई मेरी कहां से कहां गया, राइट। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अलोंग ईच कैप, तो 0 - 2, राइट, मेरा ये होगा फाइनल पोजीशन अलोंग आई कैप -2, तो 2i cap 4 - 5 - j cap + 3 - 0 3k cap, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट हो गई। मेरा फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, 4i + 3j, 4i cap + 3j cap + 0k cap। मेरा वर्क डन क्या होगा, F dot D, राइट, ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, F dot D आएगा आपका
4i cap plus 3j cap plus 0k cap dot 2i cap minus j cap plus 3k cap. ठीक है, तो 4 और 2 8, 8 माइनस 3 प्लस 0, 5 जूल आना चाहिए, है ना, ऑप्शन 1. ठीक है, तो ठीक है, शॉर्ट वीडियो था तो यहीं पे रुक जाते हैं. कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.